नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वास्थ्य विभाग की 100 दिनों की रिपोर्ट पेश की और इन 100 दिनों में किए गए कामों की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड की सुविधा दी गई। साथ ही बताया कि 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारी इस बात के लिए समय समय पर मांग करते थे कि कैशलेस चिकित्सा का सुविधा का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे विभाग ने तय किया कि उनका हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, उसको आयुष्मान भारत योजना के सॉफ्टवेयर से संबंध हम लोग करेंगे और जिससे अब उनको नगद भुगतान की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, उनको कैशलेस इलाज मिल सकेगा। और इनकी 21 तो हमारे काम करने की स्थिति में है, 6 नए केंद्र हम लोग पूर्ण कर रहे हैं और इसके 6 की जो स्थिति है वो लगभग प्रक्रियाधीन है, लगभग अंतिम चरण में इसको हम शीघ्र पूरा करेंगे। इसके अलावा 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांदा, गोरखपुर, हरदोई एवं लखनऊ में हम लोग लोकार्पण करने जा रहे हैं। कौशाम्बी जिले में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज दौरे पर रहे। सबसे पहले सिराथ विधानसभा के सयारा में मां शीतला गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अधूरी विकास कार्यों को पूरा करने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा उन्होंने 51 लाभार्थियों को ई रिक्शा भी बांटा, साथ ही सिपाही गाँव पहुंचकर पौधारोपण भी किया। सभी ग्राम सभाओं जहाँ जरूरत है उन ग्रामों में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल जो बौद्ध की धाम की दृष्टि से हम लोग बोलते हैं वह भी बनाया जाए। और आज मैंने अभी अधिकारियों के साथ बैठक में यह भी निर्देश दिया है कि सारे विभाग कोई अपने अपने विभाग की दृष्टि से अच्छे प्रोजेक्ट को स्टडी करें और उसको जानकारी करके एक रिपोर्ट तैयार करें। जितने हमारे चैनल और प्रिंट मीडिया के साथ यहाँ बैठे हैं, लगभग सभी के वरिष्ठ साथी वहां पर थे। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने विभाग की रिपोर्ट पेश की, साथ ही महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी दी और बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम हो रहा है। 17 जनपदों में 199 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के शिलान्यास हेतु निदेशालय से जो पत्र गया है उसमें हमने लगभग 1 करोड़ रुपए की 99,50,000 की राशि अवमुक्त की है, जिसमें अनेक प्रकार के उनको सजाए जाएंगे मॉड्यूल, जैसे कि बच्चे आकर्षित हों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आए, वहाँ खेल कूद सीखें, पजल के माध्यम से अपने जो सामान्य ज्ञान है उसे बढ़ाएं, इस तरह का हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। 100 दिन में एक MIS पोर्टल विकसित किया गया है। अगर हमारे बच्चे को किसी भी जिले में किशोर न्याय बोर्ड में या बाल कल्याण समिति में कोई परेशानी होती है तो वो डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से यहाँ लखनऊ में जो हमारा केंद्र है वहाँ वो बता सके। इसी प्रकार से हमने एक नया भवन शाहजहाँपुर में बनाया है जिसमें 50 बच्चों की क्षमता का। सूबे की राजधानी लखनऊ में एक तरफ कमिश्नरेट लागू होने के बाद पुलिसिया कार्य प्रणाली में कई बदलाव हुए तो वहीं आगामी त्योहार बकरीद, कावड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर भी प्रदेश की पुलिस सजग है। इस बीच प्राइम टीवी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कांवड़ यात्रा और बकरीद का पर्व आने को है और हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर जी हैं, सही बात करेंगे सर। किस तरह से तैयारियां होनी है क्योंकि कांवड़ यात्रा को काफ़ी अहम माना गया है और बकरीद का त्यौहार भी है और काफ़ी जगह पे भी हालांकि जो विवाद भी हुए हैं लखनऊ में और तमाम जगह पर हुए हैं सर, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, लखनऊ में गंगा जमुनी तहजीब कांड कोई विवाद नहीं हुआ, यहाँ देखा होगा आपने जितने भी जुम्मे के नमाज हुए सब शांतिपूर्ण सम्पन्न हुए, अभी जो रमज़ान का महीना था वही संपन्न हुआ ठीक ठाक। आगे हमारे 3 कार्यक्रम लगातार साथ साथ हैं, अभी 10, 11 और 12 को बकरीद का त्यौहार यहाँ मनाया जाएगा।
10 को बकरीद का सूरत तमाम बड़ी बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी, ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने मीटिंग्स कर ली है। अभी इस बार ईदगाह में जो खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने, जिला प्रशासन ने, नगर निगम लोगों ने मीटिंग कर ली है। इसके अलावा जो जो हमारे मेन मेन मस्जिद हैं जहाँ ईदगाह है हमारी पुलिस की ड्यूटी लगी रहेगी। जो माननीय मुख्यमंत्री के शासन के निर्देश हैं, स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी कुर्बानी की जाएगी वो भी कुर्बानी कोई सार्वजनिक स्थल पर नहीं की जाएगी और किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं की जाएगी, उसका हम लोग पालन कराएंगे। इसके बाद 14 से श्रावण मास स्टार्ट हो रहा है, 4 सोमवार पड़ेंगे, उसमें लोग आते हैं। मेन मेन मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है हसनगंज में, और हमारा एक मंदिर है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पारा में, वहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, हमारे इंतजाम रहेंगे। इन मंदिरों के अलावा काफ़ी लोग लखनऊ से होकर जाते हैं, बाराबंकी साइड जाते हैं, रोहदेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं, उनके कांवड़ियों का आना जाना लगा रहता है, उनके लिए हम व्यवस्था कराएंगे। और महीने के अंत में 31 जुलाई या 1 अगस्त से हमारे यहाँ मुहर्रम का त्यौहार भी प्रारंभ होगा, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो जो भी तैयारी करनी हो, जो भी मीटिंग्स करनी हो, मीटिंग्स हम दो तरह की करते हैं। जो भी मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, जो हिंदू धर्म के जो इधर हैं धर्मगुरु, उनसे हम लोग संपर्क करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, हम क्या उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, हमारी क्या व्यवस्था है, क्या इंजाम है, उनके बारे में हमें बताते हैं। इसके अलावा हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है, हम लोग जिला प्रशासन, नगर निगम, बिजली विभाग, सफाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब लोग मिलकर हम लोग मीटिंग करते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री ने भी पूरे प्रदेश के DM, SSP सबको साथ मीटिंग की, सबको दिशा निर्देश दिए हैं, हम उन सबका पालन करेंगे। सर, जो अराजक तत्व आ जाते हैं कभी कभी, सर उन पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, लखनऊ पुलिस और जो पुलिस बल है? देखिए, अराजक तत्वों को रोकने के लिए हम लोग दो तरह की कार्रवाई करते हैं। पहले से उनको चिन्हीकरण करते हैं, उनके खिलाफ पाबंदी कार्रवाई कराते हैं, उनको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ कार्यक्रम चला रहता है वहाँ पर हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो वर्दी के अलावा सादे वस्त्रों में भी रहते हैं, ऐसे लोगों नज़र रखते हैं, और जहाँ कहीं पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। सर, एक थोड़ा सा लीक से थोड़ा हटके एक सवाल था, आखिरी सवाल था, काकोरी इंस्पेक्टर जो सस्पेंड किए गए हैं, सर क्या लगता है आपको कि ये सस्पेंड की जो प्रक्रिया है आपने की है, आपके द्वारा कार्रवाई हुई है, तो क्या इसमें थोड़ा सा सुधार आएगा पुलिस बल में? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस बल पे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो सर क्या इस सस्पेंशन की जो प्रणाली है आपने अपनाई है, तो क्या लगता है कि आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये दूसरे लोगों के लिए मैसेज है कि जो इस तरह के जो महिला संबंधी अपराध है उसमें किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं बरतनी है। जब भी आपके पास मामला संज्ञान में आए तत्काल आप FIR पंजीकृत करें, तत्काल कार्रवाई करें, इसी मैसेज को देने के लिए इस सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। जघन्य अपराध था, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई है, इतने देर बाद पुलिस क्यों जागी? यही, इसी के लिए तो उन्हें सस्पेंड किया गया, इसी लापरवाही कारण। केवल उन्हीं को नहीं, उनके साथ साथ एक दरोगा जी थे जिनके संज्ञान मामला था, उनको भी सस्पेंड किया गया। क्या सर लगता है कि मान के चलें कि लखनऊ पुलिस एकदम तत्पर है हर जगह हर व्यक्ति के लिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सस्पेंशन की प्रक्रिया अगर आगे भी ऐसा होता है तो चलती रहेगी? जरूर चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बकरीद पर्व को लेकर और कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हैं और कहीं ना कहीं अगर सस्पेंशन की प्रक्रिया होती है तो आगे भी चलती रहेगी। कैमरामैन शुभम के साथ स्वागत था Prime TV लखनऊ। लखनऊ में 135 साल पुराना सरकारी स्कूल सेंटीनियर स्कूल केसरबाग छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही वहां पर प्राइवेट स्कूल बन गया है। सरकारी टीचर रोड पर बैठकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सरकारी टीचर और प्रिंसिपल स्कूल के अंदर जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि अब यहां कोई स्कूल नहीं है। सर, ये मुझे जो है BIS ऑफिस से कारवाचार का प्रभार मिला है, मतलब हमारे हस्ताक्षर प्रमाणित थे, और उसके बाद दोबारा हमारे चेयरमैन साहब ने वरिष्ठता क्रम के अनुसार। सर, ये पूरा मामला, ये स्कूल का पूरा मामला क्या है? 135 साल पुराना स्कूल है और ये छुट्टियों के बाद एकाएक ही गायब हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? छुट्टियों के बाद हम लोगों ने आके देखा तो यहाँ पर एक नया स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है जिसका नाम है मेथोडिस्ट चर्च स्कूल। गोंडा के लोक निर्माण विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल जिले भर में बन रहे मानकहीन सड़कें मानक को दरकिनार करते हुए सड़क बनवा रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क के निर्माण में बड़ा खेल खेला जा रहा है। 15 दिन के भीतर ही नई सड़क की बदहाली की तस्वीरें सामने आई है और सड़क के निर्माण के लिए निकाले गए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, फिर भी सड़क की हालत जर्जर है, जिसको लेकर लोगों ने जांच की मांग की है। ये बराबर डामर इसमें रेत नहीं डाला गया तो ये गिट्टी छूट रही है। अच्छा, उजड़ रही है? उजड़ रहा है। अच्छा,
और कोई समस्या नहीं, हम सोचते हैं कि सोच रहे हैं कि अच्छा काम हो। दिन हो गए भैया, पैर रखते ही सब गिट्टी बिछलाई जा रही है, सब निकल जा रही है। अच्छा। हाँ जी, चौकी। अच्छा जी, सरकार तो कहती है गांव में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सड़कें सही बन रही है। कहीं नहीं बन रही, कोई भी चल के देखो, पैर रगड़ के देखो, सब छूट रहा है गिट्टियाँ। सड़क पर बहुत समस्या है साहब, बहुत गड़बड़ बना दी, जहाँ तक बना है तहाँ तक उखड़ा है। कितना दिन हुआ अभी बने इसे? 15 दिन भाई, हुई 15 दिन में उजड़ रहा है। देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में ग्राम हरखोली में संस्कार यादव रोज की तरह बगल में ही ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटने पर परिजन घबराकर उसकी तलाश में जुट गए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को अपहरण की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो देर रात शिक्षक के घर में बने शौचालय में ही छात्र का शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद शिक्षक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देवरिया जनपद में थाना लार क्षेत्र की घटना है, जहां पर देर रात्रि को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 6 वर्षीय बच्चा जो ट्यूशन पढ़ने अपने ही गांव में पड़ोसी के यहां गया था, वो उसके अपहरण की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, अपनी कार्यवाही प्रारंभ की। जहाँ ये लड़का ट्यूशन पढ़ने गया था, उसी ट्यूशन टीचर के नाती ने पुलिस से पूछताछ में इस घटना को करना स्वीकार कर लिया। गोंडा जिले में विद्युत वितरण खंड कर्नलगंज के अंतर्गत ग्राम गोनवा सूबेदार पूर्वा में अंग्रेज गुप्ता के घर के ऊपर से काफी समय से एक हाई टेंशन लाइन गुजर हुई है, जिससे कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है और इसका भय बना हुआ है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने प्रशासन से की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद पीड़ित ने विवश होकर मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर समस्या दर्ज करवाते हुए गुहार लगाई है। लखनऊ में बीते दिनों एसटीएफ और ड्रग विभाग ने राजस्थान से लाया गया ब्लड बरामद किया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के दौरान कानपुर समेत कई शहरों से गिरोह के तार जुड़े होने की बात सामने आई है, जिसके बाद खून की तस्करी के मामले में कानपुर के निजी ब्लड बैंकों की जांच शुरू कर दी गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन ब्लड बैंक से रिकॉर्ड तलब किया है। वहीं प्राइम टीवी पर ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्य ने बताया कि शहर में 23 निजी ब्लड बैंक है, जिसकी जांच की जा रही है, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न समाचार पत्रों में प्राप्त हुआ है कि लखनऊ में एसटीएफ और ड्रग विभाग ने कार्रवाई की है, वहाँ पे इलीगल जो है ब्लड आ रहे थे राजस्थान से, उस संबंध में हम लोगों ने भी अपने यहाँ जांच किया है और मांगली जनपद के लिए भी हमने जांच किया और जनपद से हम लोग जाँच कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं पाया गया है, ना ही रिकॉर्ड में कोई मिला है, ना ही कहीं से सूचना है कि किसी से जा पाई, लेकिन हम लोग इसको विधायक बनाए रहते हैं और आगे भी इसको टीम बनाते सभी ब्लड बैंकों की जाँच करेंगे। कहीं पर भी अगर कुछ ऐसा पता लगता है या मिलता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद में शराब के नशे में अपनी दोस्ती साबित करने के लिए 3 लोगों ने आगरा कैनाल में छलांग लगा दी, जिसमें एक युवक को राहगीरों की मदद से बचा लिया गया, जबकि 2 के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस दोनों लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तैयारी में कुछ अभी तक कोई पता नहीं चला, 3:30 बजे की बात है, अभी तक कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा है, ना पुलिस वाले गोताखोर बुला रहे, ना बुला रहे, ना कुछ भी नहीं कर रहे, बोले बस सुबह का इंतजार करो। 10 बजने को आ गया, 3:30 बजे की बात है, मतलब कोई सुनवाई कुछ भी नहीं, बस पुलिस वाले अपनी बस ड्यूटी कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पी भाई दोस्ती में बातचीत हुई वगैरह तरीके में कुछ, मैंने कुछ भी कर सकता हूँ, बस इसलिए मैं लड़के जा रहे थे, कुछ में कुछ थोड़ा बहुत बाहर आ गया था, कुछ लड़कों ने मोनू को विराट को मोनू को नहीं देखा था, मतलब विराट को ही देखा था कुछ देर, पर मोनू भी अंदर ही है यहाँ तक, वो भी वहीं खा, उन्होंने कहा यही था वो गया, तू मेरी दोस्ती सब करता, मैं बोलता हूँ तू मेरी दोस्ती सब करता, यही था कुछ नहीं क्या कर सकता है, मैं पूछ सकता हूँ, हमेशा ऐसे मेरा कूद के देखा, मैं कूद गया पीछे से, वो भी मुझे नहीं पता वो पूछ जाए, पीछे से वो भी कूद गया, बहुत शोर मचा आया, आगे तक क्या लड़के बुलाए, फोन ढूंढे, कॉल करवाई उन लड़कों से घर पे, लड़कों ने फोन ढूंढे, वहाँ से फोन वहीं पड़े थे। पुलिस कब आई थी?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। वहीं इस 100 दिनों के योगी सरकार के कार्यकाल को लेकर सुल्तानपुर में पुलिस ने भी जानकारी दी है और इस 100 दिनों में योगी सरकार के फरमान पर अभी तक जिले में अपराधियों पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, इस पूरी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान बताया कि गौकशों, भूमाफियाओं, तस्करों समेत तमाम तरह के अपराधियों पर हमारी नजरें गड़ी हुई हैं और कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले 100 दिनों की अगर पुलिस विभाग की तरफ से करीब जिले के टॉप 10 अपराधी चिन्हित किए गए हैं और 50 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, जिनके साथ ही 90 के ऊपर जेल में हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अपराधियों से पुलिस द्वारा 7.5 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। जो अपराधी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले 100 दिनों का अगर हम अपनी कार्रवाई देखें तो करीबों करीब 180 टॉप 10 पूरे जनपद सुल्तानपुर से चिन्हित थे, जिनके ऊपर 50 के ऊपर गैंगस्टर के मुकदमा लिखे गए हैं, 90 के ऊपर जेल में हैं, 55 लोग अरेस्ट हुए हैं दोबारा से। उसके अलावा पूरे प्रोसेस में 7.5 करोड़ रुपए की इनकी संपत्तियां भी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो